नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसा कि मालूम है कि हमारी चर्चा भारत के संवैधानिक व्यवस्था को लेकर हो रही थी और हमने संविधान सभा के संबंध में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके पहले विभिन्न परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न आने की संभावना है उन समस्त पहलुओं पर चर्चा कंप्लीट कर ली थी। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम अपनी चर्चा को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे और एक जो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय होता है सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर अपने टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है संघीय कार्यपालिका। अब देखिए, संघीय कार्यपालिका अपने आप में एक बृहद चैप्टर हो जाता है। इसमें कई सारी चीज़ें आपके अंतर्गत शामिल होती है। जैसे इसमें हमको क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा, जैसे राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाली मंत्रिपरिषद, और इसके अतिरिक्त आपने एक शब्द सुना होगा महान्यायवादी। यह सब चीज मिलके एक केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण करती है। अब हम इन्हीं आधार पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न इसके पहले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन समस्त प्रश्नों की चर्चा आम भाषा में सामान्य रूप से करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे प्रश्नों से ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले चलिए अपने जो हमारा डेली का एक चैप्टर होता है, एक भाग होता है, एक सेगमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, उस पर बात कर लेते हैं। तो आज जिस निर्णय की बात कर रहे हैं वो है हमारा संकरी प्रसाद वाद 1951। हुआ ये कि भारतीय संसद ने पहला संविधान संशोधन 1951 में लाया, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को इस प्रकार से परिवर्तित किया गया जिससे ऐसा लोगों को लगा, हमारे भारतीय नागरिकों को लगा कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। इसीलिए जो संकरी प्रसाद एक व्यक्ति थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं और ये बात अपनी रखते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, संसद के पास क्या ये शक्ति है कि मूल अधिकार के महत्व को कम कर दे या मूल अधिकार में संशोधन कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। अब चाहे वो भाग कोई सा भी हो, चाहे वो भाग आपका मौलिक अधिकार के संबंध में हो, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में हो, या संविधान के किसी भी भाग पे हो, तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सके। मुख्य रूप से यही बात थी किस पे, संकरी प्रसाद बाद पे। हालांकि बाद में जब 1967 में एक केस होता है गोलकनाथ बनाम भारत संघ, जिसमें यह कहा जाता है कि नहीं, जो भारतीय संसद है वो संविधान के मूल जो संविधान है उस पे संशोधन नहीं कर सकते, उस पे इतना अधिकार नहीं है कि वो आर्टिकल 13 के अधीन जो सब्जेक्ट दिया गया है उस पे क्या कर दे, संशोधन कर दे। हालांकि ये एक शक्ति प्राप्त है हमारे सुप्रीम कोर्ट के कि अपने ही निर्णय को ये बदल सकता है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। चलिए अपने प्रश्नों पे आते हैं। ये हमारी एक बात हो गई, किस पे एक चर्चा हो गई आपके सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय पर। अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में संघीय शासन प्रणाली की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो संघीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्य के मध्य किया जाएगा। केंद्र व राज्य के मध्य किया जाएगा, यही प्रणाली क्या कहलाती है आपकी, संघीय शासन प्रणाली। हालांकि हमारे यहाँ संघीय संविधान की व्यवस्था दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा के अंतर्गत इसको शामिल करके रखा है।
अब देखिए, दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं। एक होती है एकात्मक प्रणाली और एक होती है संघात्मक प्रणाली। अगर भारत की बात किया जाए, भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया है, तो भारत में एकात्मक और संघात्मक दोनों के मिश्रण को अपनाया गया है। इन दोनों के मिश्रण को अपनाया गया है। कुछ शक्तियाँ भारतीय केंद्र को ज़्यादा प्राप्त की गई हैं, जिसमें केवल केंद्र का आधिपत्य होता है, ज़्यादा नियंत्रण होता है, और कुछ शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त कर दी गई हैं। तो ये बात हो गई किसमें, हमारे प्रश्न क्रमांक एक पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। देखिए, हमारी बात चल रही है केंद्र राज्य संबंध को, जो हमारी बात चल रही है वो है संघीय कार्यपालिका। संघीय के कार्यपालिका में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाती है, उस पर चल रही है। तो उसके आधार पर कुछ प्रश्न बने हैं। आपको बताना है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है, ये कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दिया है। अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8 या अनुसूची 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुसूची 7। अनुसूची 6 की अगर बात करें तो जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो भाग है उसको जनजाति क्षेत्र उनके प्रशासन की बात करता है। अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 आपकी संविधान के अंतर्गत प्रदत्त 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। और अनुसूची 9 की बात करें तो इसका प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों के संबंध में इसके अंतर्गत प्रावधान को रखा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा अनुसूची 7। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का भाग नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। आसान सा सवाल है, लेकिन कई बार होता है कि आसान सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो संघीय कार्यपालिका में जैसा कि मैंने बताया आपको कि कौन शामिल होगा, राष्ट्रपति शामिल होगा, प्रधानमंत्री शामिल होगा, मंत्रिपरिषद भी शामिल होगी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं शामिल होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका वाली जो व्यवस्था है उसका प्रमुख होता है। ये हमारी कार्यपालिका के प्रमुख कौन होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति। विधायिका के प्रमुख कौन हो जाएंगे, आपकी संसद हो जाएगी, राज्यसभा, लोकसभा। उसी प्रकार जो न्यायपालिका के प्रमुख कौन कहलाएगा, वो होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग भारत में भारत के चुनाव में नहीं किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एकल संक्रमण मत प्रणाली, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन सी गुप्त मतदान या ऑप्शन डी सूची प्रणाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूची प्रणाली। अब देखिए, सूची प्रणाली भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का ही भाग है, अप्रत्यक्ष चुनाव का भाग है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि डायरेक्ट कोई उम्मीदवार नहीं होता है, किसी उम्मीदवार को वोट ना दे करके किसी राजनीतिक दल को वोट दिया जाता है, राजनीतिक दलों को वोट दिया जाता है। ये प्रणाली आपको कई सारे यूरोपीय देशों में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले भाग को हम देख सकते हैं, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन आपको लोकसभा के सदस्यों के लिए, विधानसभा के सदस्यों के लिए और पंचायत के सदस्यों के लिए देखा जा सकता है। गुप्त मतदान भी आपके जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं उसमें होता है, हालांकि हमारे यहाँ खुला मतदान भी होता है जो राज्यसभा के चुनाव में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति के चुनाव में खुला मतदान देखने को मिलता है, अर्थात किसी भी जो सचेतक होता है, व्हिप होता है किसी भी दल का, उसको ये पता रहता है कि उसका दल का सदस्य किसको वोट दे रहा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है। संघीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन मॉडल,
ऑप्शन बी अमेरिकी मॉडल, ऑप्शन सी कनाडाई मॉडल या ऑप्शन डी देसी मॉडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडाई मॉडल। कनाडाई मॉडल में क्या होता है कि केंद्र होगा फिर राज्य होगा, राज्यों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा होगा, केंद्र के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा होगा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्त होगी, ये हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्त होती है, राज्यों का शासन प्रशासन राज्य स्तर पर किया जाता है, केंद्र का शासन प्रशासन केंद्रीय स्तर से राज्य स्तर तक किया जाता है। ये सारे मॉडल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। अमेरिकी मॉडल की बात करें जाए तो वहाँ पर राज्यों का कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा होता है, केंद्र का थोड़ा सा कम रहता है। ब्रिटेन मॉडल में आपकी संसद का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। देसी मॉडल, ये आप समझिए ये नॉर्मल सा एक शब्द है, देसी मॉडल जो हमारी स्वदेशी तकनीकों से मिलकर बना हो, स्वदेशी सिद्धांतों पर बना हो, तो ये हमारे यहाँ का नहीं है। स्वदेशी मॉडल अगर यही प्रश्न होता फ्रांस के बारे में होता कि फ्रांस की जो संसद है, फ्रांस की जो शासन प्रणाली है वो कहाँ से प्रेरित है, तो वहाँ पर देसी मॉडल उस देश के लिए लागू हो जाती। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने कहीं ना कहीं से चीज़ें अब अडॉप्ट की है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत कौन से तत्वों का झुकाव केंद्र की ओर ज़्यादा है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आपातकाल, ऑप्शन बी राज्यपाल का पद, ऑप्शन सी एकल नागरिकता या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप सभी को मालूम है कि आपातकाल लगाने की शक्ति किसको है, हमारी संसद को है। केवल केंद्र में स्थापित संसद ही आपातकाल को लागू कर सकता है, राष्ट्रपति लागू करवाता है। अब देखिए किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो आपातकाल को लागू करवा दे, तो किसके पास झुकाव है, केंद्र की ओर है, तो केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिली ना आपातकाल के माध्यम से, इसलिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर राज्यपाल का पद, अब देखिए राज्यपाल जरूरी रूप से कहाँ पर सेवा देता है, अपना राज्य में सेवा दे रहा है, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो इसकी भी शक्तियों का झुकाव किसके ओर चला गया, केंद्र की ओर चला गया, तो ये भी सही हो गया। फिर है एकल नागरिकता, क्या आपको हमारे भारत में ड्यूअल नागरिकता देखने को मिलती है क्या, कि हम मध्य प्रदेश के पहले नागरिक है, एक तो मध्य प्रदेश के नागरिक कार्ड हमारा बनता है और दूसरा भारत के नागरिक कार्ड बनता है। अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में जैसे आप टेक्सास शहर टेक्सास राज्य के निवासी हैं तो पहले आपकी एक नागरिकता बनेगी टेक्सास की और दूसरी बनेगी यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, एक ही नागरिकता मिलती है जो कि भारत की होती है, किसी राज्य की नहीं होती है। पहले जब आर्टिकल 370 लागू था कहाँ पर, आपका जम्मू एंड कश्मीर पे, तब वहाँ पर ड्यूअल नागरिकता होती थी, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता एक भारत की नागरिकता। लेकिन जब उसको हटा दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया तथा भारत संघ में मिला लिया गया, तो वहाँ पर से भी एकल नागरिकता को प्रावधान को मूर्त रूप प्रदान कर दिया गया। तो सही जवाब तीनों सही हो गए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे आइए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संघीय व्यवस्था को मूल ढांचे के अंतर्गत किस न्यायालय निर्णय के द्वारा शामिल कर लिया गया। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी एस आर बोम्बईवाद, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्सवाद या ऑप्शन डी इंदिरा साहनीवाद। संघीय व्यवस्था को कब किस न्यायालय निर्णय के द्वारा मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस आर मुंबई वाद, जो 1994 में हुआ था, 1994 का केस है, जिसके तहत ये कहा गया कि भारतीय संसद को इसके संबंध में संशोधन का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। किसके संबंध में, संघीय व्यवस्था के संबंध में। अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आइवर जेनिंग, ऑप्शन बी केसीवेयर, ऑप्शन सी जी ऑस्टिन या ग्रैनविले ऑस्टिन या ऑप्शन डी पॉल एप्लबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केसीवेयर। सही जवाब क्या होगा, केसीवेयर। तो सिंपल सी बात है, ये फैक्ट वाली चीज़ है, इसको रट लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो भारतीय व्यवस्था है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है, वो इस प्रकार है कि कुछ शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त है और कुछ शक्तियाँ राज्यों को प्राप्त है, इसलिए उन्होंने अर्धसंघीय कहा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी।
हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए के संथानम, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजमन्नार या ऑप्शन डी वीरप्पा मोइली। आपको बता दूं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित हुआ था 1966-67 में गठित हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार से प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन किया जाए, इसकी अध्यक्षता की थी आपके मोरारजी देसाई ने की थी। वीरप्पा मोइली आपके जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था उसकी अध्यक्षता की थी, जिसने 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राजमन्नार आयोग 1969 में गठित हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट, ये राजमन्नार आपके तमिलनाडु के वित्त मंत्री थे और इन्होंने अपनी सिफारिशों में कई सारी सिफारिशें दी थी केंद्र राज्य संबंध को लेके। फिर के संथानम समिति, आपको पता होगा इसने ही 27 प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया था अपने सुझाव पे। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन की सिफारिश की थी, ये के संथानम समिति की सिफारिश थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजमन्नार आयोग का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र राज संबंध हेतु, ऑप्शन बी नदी जल बंटवारे हेतु, ऑप्शन सी चुनाव आयोग में सुधार हेतु या ऑप्शन डी वित्त आयोग को अस्थायी निकाय बनाने हेतु। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राजमन्नार आयोग 1969 में आपके तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ये रहता है कि केंद्र राज संबंध को किस प्रकार से बेहतर रूप से लागू किया जा सकता है, जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है केंद्र और राज्यों के मध्य वो कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने कई सारे सुझाव दिए थे। तो ये केंद्र राज संबंध हेतु गठित हुआ था, उत्तर तो ये हो जाएगा। इन्होंने सुझाव दिया था कि जो वित्त आयोग है उसको एक स्थायी निकाय बना देना चाहिए। इन्होंने देखिए यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है अस्थायी निकाय, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था। इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाना देना चाहिए, और जो आपका उस समय योजना आयोग था उसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ सिफारिशें की थी किन्ने, राजमन्नार आयोग ने। साथ ही ये भी कहा था 352, 356, 365 दो आपातकाल संबंधी उपबंध है उसको समाप्त कर दिया जाए, फिर जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों को सौंप दी जाए। ऐसे कुछ इन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों में कौन से प्रावधान के तहत किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लघुकरण, ऑप्शन बी प्राविलंब, ऑप्शन सी परिहार या ऑप्शन डी विराम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लघुकरण। अब देखिए इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो कैसे समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे कठोर, जैसे आप मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दिया गया, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया और उसने याचिका कहाँ लगा दी, राष्ट्रपति के पास याचिका लगाई। राष्ट्रपति ने देखा कि यार इसको जो दिया गया है, दंड दिया गया है, उचित नहीं है और बहुत ही सहमा हुआ व्यक्ति है, अगर इसको मौका दे दिया जाए तो ये जीवन में सुधार कर सकता है। तो राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, इसको मृत्युदंड ना देके इसको क्या कर दिया जाए, कठोर कारावास करवा दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या करवाया गया, आपके दंड की प्रकृति को कम करवा दिया गया। अब देखिए कठोर कारावास में भी ये होता था कि 14 वर्ष का कारावास है, अब कैसे और कम करवाया जा सकता है? तो ऐसे मान लीजिए कठोर कारावास था 10 वर्ष का, अब कठोर कारावास 10 वर्ष का था, लेकिन राष्ट्रपति ने यह कर दिया कि साधारण कारावास करवा दिया 10 वर्ष का, तो दंड की प्रकृति परिवर्तित कर दी, लेकिन समय में परिवर्तन नहीं हुआ है, जितना समय दिया जाता था उतना ही दिया जाएगा। तो प्रकृति में परिवर्तन कर दे वो क्या कहलाता है, आपका लघुकरण। मृत्युदंड को कठोर कारावास या स्थायी कारावास कुछ भी परिवर्तित कर सकता है। प्राविलंब की बात करें तो प्राविलंब वह स्थिति होती है जब किसी कारण से सजा को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। क्यों? जब कोई व्यक्ति क्या करे, याचिका दायर करते, जैसे हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दिया है लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दे, तो आपका जो वो होता है क्षमादान वो प्राविलंब के रूप में अपनाया जाएगा। परिहार में क्या होता है कि दंड जो दंड का प्रकृति होता है उस पे परिवर्तन ना करके समय पे परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कठोर कारावास 10 वर्ष के लिए था, कठोर कारावास 10 वर्ष को कठोर कारावास 5 वर्ष कर दिया,
तो ये क्या हुआ, ये स्थिति कहलाएगी क्या, परिहार की। विराम, विराम भी एक क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति, ये वैसी स्थिति पर उत्पन्न होता है जैसा कि कोई, जैसा किसी महिला को मृत्युदंड दिया गया है लेकिन ऐसा पता चलता है वो महिला गर्भवती है, तो उसके मृत्युदंड को वहाँ पर टाल दिया जाएगा, वो स्थिति क्या कहलाती है, विराम की कहलाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति मृत्युदंड प्राप्त किए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। ऑप्शन है हमारे केवल सिविल मामलों में, ऑप्शन बी आपराधिक मामलों में, ऑप्शन सी सेना के न्याय से संबंधित मामलों में, ऑप्शन डी सभी प्रकार के दंड से क्षमा कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के दंड से क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, चाहे वो मामला कैसा हो, सिविल मामलों संबंधित हो या फिर आपराधिक मामलों संबंधित हो या सैन्य मामले द्वारा किसी को बड़ी सजा सुना दी गई हो या मृत्यु दंड दे दिया गया हो या फिर कोई भी दंड दे दिया गया हो, राष्ट्रपति के पास ये क्षमता प्रदान की गई है कि आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए क्या कर जाता है, कर सकता है, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किन चुनावों में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की आनुपातिक व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी पंचायती, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो बहुत ही आसान शब्द है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राज्यसभा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की अगर बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की आनुपातिक व्यवस्था क्या होती है, मान लीजिए कि ए बी सी डी चार क्या है, कैंडिडेट है। अब क्या होता है, जब हम लोकसभा का चुनाव देने जाते हैं, विधानसभा के चुनाव देने जाते हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति को ही वोट देंगे, चाहे हम ए को दे दें, चाहे बी को दे दें, चाहे सी को दे दें या डी को दे दें, केवल एक ही वोट डाल सकते हैं, किसी एक पार्टी को डाल सकते हैं, किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को डाल सकते हैं। लेकिन जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का चुनाव प्रणाली होती है उसमें हम सभी को वोट देंगे। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं, केवल लोकसभा राज्यसभा जो विधानसभाएं हैं उसके सदस्य इसमें वोट डाल सकते हैं। अब ये चुनाव इस्तेमाल किसमें होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, आपके राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए चुनाव हो रहा है, वहाँ पर प्रयोग होता है नॉर्मली। अब इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए मुझे वोट देना है तो मैं सभी को वोट दूंगा, पर सभी को वोट दूंगा तो निर्धारित कैसे होगा कौन जीतेगा, तो मैं क्या करूंगा, इन पे वरीयता तय कर दूंगा। जैसे मुझे बी ज़्यादा पसंद है तो मैं बी को पहले नंबर पे रख दिया, ए को दूसरे नंबर पे रख दिया, सी को तीसरे नंबर पे रख दिया और डी को चौथे नंबर पे रख दिया। ऐसे ही एक दूसरा व्यक्ति भी आया जिसने ए को पहले नंबर पे रखा, बी को दूसरे नंबर पे, सी को तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। इसी प्रकार एक तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरे व्यक्ति ने ए को पहले नंबर पे रखा, बी को तीसरे नंबर पे रखा, सी को चौथे नंबर पे रखा और डी को दूसरे नंबर पे रखा। अब मान लीजिए वोटों की गणना होती है तो कौन जीतेगा, उसमें जीतेगा आपका, देखिए यहाँ पर ए वाला व्यक्ति, क्योंकि देखिए ए वाले को दो बार प्राथमिकता प्राप्त हुई है तो ये जीत जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ और अपनाई जाती है, एकल संक्रमणी आनुपातिक व्यवस्था में ये अपनाया जाता है कि जितना भी वोटिंग परसेंटेज होगा, जितने भी मत मूल्य होगा, मत मूल्य टोटल जितना होगा उसका आधे का एक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसका सिंपल समझिए, 50% प्लस 1 के बराबर होना चाहिए जीत वैल्यू। तो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा वीटो अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अत्यंतिक वीटो, ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो, ऑप्शन सी पॉकेट वीटो या ऑप्शन डी विशेषीकृत वीटो। जल्दी से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। देखिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 111, अनुच्छेद 111 है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के संबंध में भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है अधिनियम बनने के लिए, तो वो उन विधेयकों पर अपनी अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, उन विधेयकों को अपने पास संरक्षित रख के रख सकता है या फिर संसद को वापस लौटा सकता है। तो इन्हीं व्यवस्था को बोला जाता है क्या, वीटो पावर। वीटो का अर्थ होता है रोकना,
तो किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति रोकता है तो उसको वीटो पावर कहते हैं। अत्यंतिक वीटो की अगर बात करें तो अत्यंतिक वीटो ऐसा होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या कर दे, मना कर देता है। सिंपल सा क्या होता है कि उसको संरचित मतलब मना कर देता है, उस विधेयक को पास नहीं होने देता है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि इसमें क्या हो, जब संसद कोई विधेयक बना के राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज देता है। लेकिन अगर किसी कारण से या फिर किसी बिना किसी संशोधन के भी या संशोधन के साथ संसद पुनः यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति यह विधेयक स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। फिर पॉकेट वीटो की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर कोई अपनी सहमति न देगा, न उसको लौटाएगा, बल्कि अपने पास रख लेगा, मतलब पॉकेट पर रख लीजिएगा, रख लेगा, अपनी जेब में रख लेगा और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसा प्रयोग सबसे पहले किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। डाक संशोधन विधेयक आया था 1988 जिसको अपने पास इन्होंने पॉकेट शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रख लिया था। फिर आता है विशेषीकृत वीटो। विशेषीकृत वीटो ऐसी राष्ट्रपति की शक्ति है जो हमारे भारतीय राष्ट्रपति के को नहीं प्राप्त है, या अमेरिकी राष्ट्रपति को देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई विधेयक साधारण बहुमत से पास होकर आया है राष्ट्रपति की सहमति के लिए, तो अब राष्ट्रपति यह कह देगा कि इस विधेयक को क्या करो, विशेष बहुमत के साथ पारित करवा के लाओ, तब हम इस चीज़ को अप्रूव करेंगे। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था देखने को मिलती नहीं है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संसद के पास कोई भी विधेयक राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता, अर्थात मंत्रिमंडल की सिफारिश के समस्त विधेयक मान्य हेत विधेयक मान्य हेतु बाध्य है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, या ऑप्शन डी 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक निलंबनकारी वीटो की शक्ति प्राप्त है अपने किसको, राष्ट्रपति को, लेकिन पहले यह शक्ति भी प्राप्त नहीं थी। एक संशोधन के तहत ऐसा कर दिया गया था जिसमें अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमति के लिए तो उस पर अपनी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाता था। यह संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, वो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे 1976 बोलते हैं, जिसे लघु संविधान भी बोलते हैं, लघु संविधान, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ा गया। जैसे अगर बात किया जाए तो एक तत्व जोड़ा जाता है, क्या होता है वो, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकरणों को जोड़ा गया, साथ ही अन्य बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया, किसके अंतर्गत, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि बाद में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो क्या कर दिया जाएगा, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तो ये कौन सा प्रश्न हमारा हो गया, 16वां प्रश्न हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है। हमारे ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के समस्त सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के समस्त सदस्य, या ऑप्शन डी दिल्ली एवं पुदुचेरी के समस्त निर्वाचित सदस्य। आपको ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं कि नहीं, हाँ होते हैं, क्यों, देखिए राज्य विधानसभाओं में सारे सदस्य अब क्या होते हैं, चुनकर आते हैं, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा दिया गया कि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब जब समाप्त कर दिया गया तो किसी प्रकार का मनोनीत सदस्य बचा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, कौन व्यक्ति चुना जाएगा, जो निर्वाचित सदस्य वही भाग होंगे विधानसभाओं में। तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे कि नहीं, होते हैं तो होंगे। फिर लोकसभा के समस्त सदस्य, हाँ लोकसभा के समस्त सदस्य भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं,
अब देखिए कि जो भी सदस्य लोकसभा में चुन के आते हैं वो निर्वाचित होते हैं, तो इसमें निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, राज्यसभा के समस्त सदस्य, क्या ये बात आपको सही लग रही है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लेके? क्या सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे? नहीं, जो सदस्य मनोनीत होता है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन क्या होगा हमारा उत्तर। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा उत्तर, आपको ऑप्शन सी बस पे टिक लगाते हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में। फिर ऑप्शन डी, दिल्ली एवं पुदुचेरी के समस्त निर्वाचित सदस्य। तो आपको पता है कि दिल्ली एवं पुदुचेरी में विधान सभाएं स्थापित हैं जहां पर सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो ये भी क्या होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह केवल लोकसभा से ही चुनकर आ सकता है, ऑप्शन बी, इसका चुनाव होता है, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री बनने हैं तो किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य ही है, या ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप बताइए, क्या क्या प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य हो सकता है? क्या केवल लोकसभा से ही चुन के आए, ऐसी बात हो सकती है क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो केवल लोकसभा से चुनकर नहीं राज्यसभा से ही चुन के आए हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी का, आपने नाम सुना होगा मनमोहन सिंह का, या फिर आपने नाम सुना होगा एसडी देव गौड़ा का। ये सारे सदस्य कहां से चुन के आए थे? राज्यसभा से चुन के आए थे, तब भी हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो मतलब पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का क्या चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव होता है किसी व्यक्ति का, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है, उसको राष्ट्रपति चुनता है। तो क्या ये बात सही होगी कि उसका चुनाव होता है? नहीं, ये भी गलत है। फिर प्रधानमंत्री बनने हैं तो किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य ही है, तो ये भी जरूरी नहीं है। 1997 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि 6 महीने बाद उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो 6 महीने का समय भी तो दिया गया है, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलत हो जाएगी। अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपसभापति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए 1969 तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके तहत अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो शासन प्रशासन राष्ट्रपति के पद की कौन निर्वहन करेगा। ऐसे व्यवस्था की गई थी संविधान में कि संसद जो विधि बना दे वो लागू कर दी जाएगी। तो संसद ने 1969 में एक अधिनियम लाया जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होंगे तो मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और मान लीजिए कि अगर मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं रहता है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका उल्लेख कहाँ पर है, किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 64, ऑप्शन बी अनुच्छेद 89, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। देखिए आर्टिकल 63 से
63 से आपका उल्लेख मिलता है किसका? उपराष्ट्रपति का। 64 में यह लिखा हुआ है कि यह राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में लिखा है कि ये राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 89 में राज्यसभा का जिक्र मिलता है, और राज्यसभा के जब सभापति की बात होती है वहां पर क्या होता है, जिक्र मिलता है कि राज्यसभा का पद सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति, जो इसका पदेन सभापति होता है। तो 89-64 दोनों क्या होंगे? सही बात हो गई, तो उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। 65 के बारे में आपको बता ही दिया। 65 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, क्योंकि हमको पता है कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी प्रकार के दीवानी मामले में न फंसा हो, दीवानी मुकदमा इस पर दायर न हो, लाभ के पद पर न हो। ये सारी बातें राष्ट्र उपराष्ट्रपति के संबंध में दी गई है। 35 वर्ष की आयु होती है। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष। लेकिन उपराष्ट्रपति अगर उसको चुनना जाना है तो एज कितनी चाहिए? 35 वर्ष। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा के उपसभापति को, बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी भारत सरकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति को। अच्छा, ये बड़ी अनोखी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी बीपी सिंह, या ऑप्शन डी आई के गुजराल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है उसके उपरांत इनको पीएम बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन ये लोकसभा में उपस्थित नहीं होते हैं। चौधरी चरण सिंह लोकसभा में उपस्थित नहीं होते हैं, और जब इन पर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला होता है उसके पहले ही क्या कर देते हैं? अपना इस्तीफा दे देते हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो इन्हें हाल ही में क्या दिया गया है? आपका भारत रत्न, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी इस वर्ष भारत रत्न दिया गया। और साथ ही आप ये समझिए कि लाल कृष्ण आडवाणी पहले कभी प्रधानमंत्री रहे ही नहीं है, तो ये वाला प्रश्न हट जाता है। वीपी सिंह के बारे में भी कुछ खास बातें हैं, आगे इस प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। आई के गुजराल के बारे में भी कुछ खास बातें हैं, ये सब प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करने के दौरान किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से जितने भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संसद के किसी सदन के सदस्य थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, यह वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 78।
देखिए अनुच्छेद 74 में क्या मिलता है कि भारत की जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए कार्यपालिका होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में मिलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 पर महान्यायवादी का जिक्र मिलता है और अनुच्छेद 78 में यह जिक्र मिलता है कि यदि राष्ट्रपति किसी कार्य मंत्रिपरिषद के कार्यों के संबंध में जानकारी मांगता है तो प्रधानमंत्री वो जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये जानकारी कहाँ मिलती है, डी में मिलती है। तो अब इस प्रश्न के आधार पर अगर उत्तर माना जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के प्रति या ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रति। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। अगर इस प्रणाली की और खास बात की जाए तो इसको उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं, उत्तरदायी सरकार। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति, इसी को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। अब इसके आधार पर आप बताइए कि जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव हो या उप मंत्री हो, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। अगर पूरी मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो वो होती है उत्तरदायी आपकी लोकसभा के प्रति, लेकिन मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। यह जानकारी मिलती है आपके अनुच्छेद 75(2) में। 75(2) में ऐसा जिक्र मिलता है कि जो मंत्री होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करेंगे। तो ये क्या बात हो रही थी हमारी, मंत्रिपरिषद को लेकर हो रही थी। अगले प्रश्नों पर चलते हैं, थोड़ा सा जलपान कर लूँ मैं। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या किसी भी सदन किसी भी लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी, यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 93 संविधान संशोधन 2006, ऑप्शन बी 91 संविधान संशोधन 2003 या ऑप्शन सी 87वां संविधान संशोधन 2003 या डी 82वां संविधान संशोधन 2002। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, जिसके तहत ऐसा निर्धारित किया गया कि लोकसभा में की पूरी संख्या का 15% से अधिक कोई भी मंत्रिपरिषद में सदस्य शामिल नहीं होगा। 15% की अगर बात करें तो अभी 545 लगभग लोग हैं, अब 545 का 15% लगभग 69 या 70 के लगभग लोग शामिल होंगे, मतलब इससे ज़्यादा मंत्री की संख्या नहीं हो सकती है। फिर वो केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या उप मंत्री हो, उन सबको मिला के इससे अधिक संख्या नहीं होगी। 91 संविधान संशोधन में एक और संशोधन किया गया था दल बदल कानून में, दल बदल कानून में, और इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई यदि 2/3 सदस्य किसी दल के 2/3 सदस्य अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं, तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। और यही उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला था कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो शरद पवार की पार्टी थी उनके भतीजे थे अजीत पवार, अजीत पवार उनसे अलग हो जाते हैं और लगभग 2/3 सदस्य कहाँ लेके चले जाते हैं, एक अलग पार्टी बना लेते हैं, तो उन पर क्या दल बदल कानून नहीं लगता है। ये बात हो गई किस पे, 91वें संविधान संशोधन की बात। 87वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया जो हमारी परिसीमन होगी, अगली परिसीमन उसकी जनगणना का आधार 2001 को माना जाएगा। 82वें संविधान संशोधन के बारे में आपको पता ही है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत OBC वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है राजनीति में जंबो कैबिनेट काफ़ी चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है।
ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सरकार की मंत्रिपरिषद से, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की मंत्रिपरिषद से, या ऑप्शन सी मनमोहन सिंह सरकार की मंत्रिपरिषद से, या डी नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद से। जंबो कैबिनेट का मतलब होता है कि कई सारे मंत्रिपरिषद में सदस्य का शामिल होना, बड़ी कैबिनेट होना। तो अटल बिहारी जी की सरकार जब थी उस टाइम पे जो मंत्रिपरिषद थी उनमें सदस्यों की संख्या थी 99, और इसी कैबिनेट इसी मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, जंबो कैबिनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के मेमोरियल को किसान घाट कहा जाता है। अब ये प्रश्न इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अभी एक व्यक्ति हुए हैं बहुत फेमस जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे, उन्हीं के मेमोरियल को कहा जाता है किसान घाट। हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वीपी सिंह, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह हमारे उप प्रधानमंत्री भी बन चुके थे जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस टाइम पे ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला है, जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया उस दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी देवीलाल, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। भारत के अगर पहले उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल आपके पहले मुख्यमंत्री सॉरी उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार गैर कांग्रेसी सरकार आती है, उस टाइम पे जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, देवीलाल, और उसके बाद सबसे आखिरी में लाल कृष्ण आडवाणी जी बनाए जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान। तो ये कुछ बात हो गई किस पे, उप प्रधानमंत्री को लेके। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें सदन में विश्वास मत हासिल नहीं हुआ। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी वीपी सिंह, या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। आप सभी को मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिनों के अंतर्गत गिर गई थी। पहले 13 दिन, फिर 13 महीने, फिर आगे चल के 5 साल तक अपनी सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो उनकी गिर गई थी। लेकिन उन्होंने अपना विश्वास मत नहीं खोया था, उसके पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो इनकी सरकार भी नहीं गिरी थी। ये आपके पता है कि जब हमारा आर्थिक सुधार हुआ था 1991 के, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे। उनके बारे में खास बात क्या है कि इन्हें हाल ही में भारत रत्न प्रदान किया गया है। बीपी सिंह की सरकार ही है वो सरकार जिसमें इनकी सरकार गिर जाती है और ये अपना विश्वास मत संसद में अपना साबित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस ने क्या लिया था, अपने समर्थन को वापस ले लिया था। चौधरी चरण सिंह के बारे में खास बात तो हमने चर्चा कर ही ली थी कि ये लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए। प्रधानमंत्री तो चुन लिए गए थे लेकिन लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए। अगला प्रश्न है, पद पर रहते किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। हमारे ऑप्शन ए आई के गुजराल, ऑप्शन बी एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन सी राजीव गांधी, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से किसी भी व्यक्ति की पद पर रहते मृत्यु नहीं हुई थी। हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से 3 प्रधानमंत्री ही ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुए हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी। जो शुरू के 3 प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हीं की मृत्यु पद पर रहते हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत के बाहर पाकिस्तान में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। अगर आप इस चीज़ को समझे कि किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत के बाहर हुआ था, हमारे ऑप्शन है मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, या डी बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो मनमोहन सिंह और आई के गुजराल दोनों कहाँ से थे, इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, पाकिस्तान माना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के दौरान राज्यसभा के सदस्य नहीं थे।
ऑप्शन है हमारे इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी एच डी देवगौड़ा, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजीव गांधी। और राजीव गांधी के बारे में आपको बता दूं कि जब 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके दौरान आपके राजीव गांधी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जाता है, और बाद में आगे चल के सदन के द्वारा भी इनको संसद का जो लोकसभा है उसके बहुमत दल का नेता सिद्ध कर दिया जाता है। और आपको पता ही होगा कि आगे उसके बाद 1985 में चुनाव होता है और इनकी जो सरकार होती है एक बड़ी मात्रा में जीत हासिल करती है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस क्रम के प्रधानमंत्री है? हमारे ऑप्शन है 15th क्रम के, ऑप्शन बी 14th क्रम के, ऑप्शन सी 13th क्रम के, ऑप्शन डी 16th क्रम के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14th क्रम के ये प्रधानमंत्री रहे हैं। 15वें नंबर की अगर बात की जाए तो हमारी जो राष्ट्रपति रहे हैं वो 15वें नंबर के हैं। 14वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उपराष्ट्रपति दोनों 14वें नंबर के हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उसके बाद अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किसे निशान ए पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया, निशान ए पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी प्रदान किया जा चुका है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान होता है निशान ए पाकिस्तान, वो अवार्ड भी मोरारजी देसाई को प्रदान किया जा चुका था। मोरारजी देसाई की अगर बात करें, ये भारत के सबसे वयोवृद्ध आपके प्रधानमंत्री रहे हैं और मुंबई राज्य जो था, जब तक बॉम्बे राज था, उसके ये CM भी थे। ये मोरारजी देसाई की बात हुई। अगला प्रश्न है, वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये एक्चुअल में पूछा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का जन्म स्थान कहाँ पर था, कहाँ इनकी जन्म हुआ था। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान से दो उपराष्ट्रपति बने हैं, एक है आपके जगदीप धनखड़ जी और दूसरे हैं कृष्णकांत का नाम सुना होगा, इनका संबंध भी कहाँ से माना जाता है आपका? राजस्थान से। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे? अब अटल बिहारी वाजपेयी एक्चुअल में मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और मध्य प्रदेश जो PSC होती है और मध्य प्रदेश जो स्टेट के वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही बहुत ही फेमस व्यक्तित्व रहे हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रही है। इनके जन्म दिवस पर आपको पता है कि सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो सुशासन दिवस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, किसी भी राज्य के परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, केंद्र के किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जानना जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10वें क्रम के। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के पहले भारत के पहले बैकवर्ड राष्ट्रपति किन्हें चुना गया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन सी BD जत्ती या ऑप्शन डी VV गिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में खास बात यह है कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पे ये राष्ट्रपति थे। साथ ही ज्ञानी जेल सिंह ने ही डाक संशोधन विधेयक को पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य रहा था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नीलम सज्जीवा रेड्डी, ऑप्शन सी S राधाकृष्णन या ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर तो थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के सदस्य थे ही क्योंकि अध्यक्ष थे, लेकिन
नीलम संजीवा रेड्डी भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों सही है। एस राधाकृष्णन जब संविधान सभा बन रही थी उस टाइम पे ये आपके यूएसएसआर के राजदूत थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला आगे चल के ये राष्ट्रपति मिलते हैं, बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे रहे थे। तो ये कुछ बात हो गई किसके संबंध में, प्रश्न क्रमांक 40 के संबंध में। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली की संकल्पना को कहाँ से अपनाया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड से, या ऑप्शन डी अमेरिका से। मंत्रिमंडल प्रणाली मतलब प्रधानमंत्री होगी और उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह प्रणाली हम कहाँ से अपनाए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान से हमने यह व्यवस्था अपनाई है। कनाडा से हमने अपशिष्ट शक्तियों के संबंध में, शक्तियों के विभाजन के संबंध में, संघीय शासन प्रणाली के संबंध में और राज्यपाल के पद के संबंध में हमने शक्तियाँ अपनाई है। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य कला के क्षेत्र में मनोनीत करने वाले सदस्य हैं उनके संबंध में हमने चीज़ों को अपनाया है। अमेरिका से तो आपको पता ही है, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद नाम इत्यादि को अपनाया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति का प्रावधान कहाँ से अपनाया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो पद नाम है वो हमने लिया है अमेरिका से, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से स्थिति की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति की स्थिति वैसे ही है जैसे कि ब्रिटेन के राजा की होती है। वहाँ के जो रानी राजा होते हैं, क्राउन होते हैं, वहाँ की जो स्थिति है वो ये हमारे राष्ट्रपति की स्थिति है। हालाँकि एक अंतर यह है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो जनता के द्वारा चुन के आता है या प्रत्यक्ष रूप से चुन के आता है। तो ये बात हो गई क्या कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए कि ब्रिटेन से हमने ये चीज़ अपनाई है। दोस्तों चलिए फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, समय का थोड़ा अभाव है तो आपसे अगली क्लास में मुलाकात करते हैं और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।